भारत में पिछले 10 साल के अंदर देखा जाए तो काफी विकास हुआ है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हंगामे कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि सबसे पहले आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा चाहिए, विकास चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन सबसे पहले सिस्टर, यूपी में भी एजुकेशन है, बिहार में नॉट एट ऑल एजुकेशन नहीं है। यहाँ पे यहाँ एजुकेशन भी चाहिए, यहाँ विकास भी चाहिए। चौसा के अंदर ये भाई साहब, ये बिहार का विकास है। देखिए अब इसमें विकास चाहते हैं, अब देख लिए बिहार का विकास किस कंडीशन पे। 200 रुपया कमाने वाला आदमी डेली यहाँ 100 रुपया का रजनीगंधा तुलसी खाएगा और ज्ञान देगा क्या सब कुछ पे। विकास कर पाएंगे किस आधार पे? कर पाएंगे किस आधार पे? कर पाएंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या है? बिहार को बर्बाद दो आदमी में किया, पहला लालू यादव, दूसरा नीतीश कुमार। विकास चाहिए, लेकिन आपको किस कंडीशन में विकास चाहिए? देखिए मैं एक बात, अभी 2014 से अभी तक डिफरेंस देखिए क्या है। 2014 में मेरा सैलरी 20,000 रुपया था, आज मेरा सैलरी 1.5 लाख रुपया है। तो हम अपने आप को विकास मान रहे हैं, लेकिन अब जनसंख्या यहाँ देखिए किस तरह है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यदि गवर्नमेंट 2 लाख नौकरी लेके भी आ जाएगी तो अगले साल 10 लाख फिर से लोग आ जा रहे हैं, वो 10 लाख का प्लान करेंगे तो 20 लाख आ जा रहे हैं। तो जब तक जनसंख्या पर लोग वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही रहेगा। और दूसरा क्या, बिहार में किसी को पड़ा हुआ है? गुजरात में कितना एमपी का सीट है वहाँ देख लीजिए, और बिहार में कितना सीट है? मोदी जी को पता है कि बिहार के आदमी को क्या बोलेंगे और वोट दे देंगे। स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि विकास की जो योजनाएं हैं फिलहाल में भारत में पिछले 10 साल के अंदर देखा जाए तो काफी विकास हुआ है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हंगामे कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि सबसे पहले आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा है। ना इनके पास कोई विजन है, ना इनकी कोई आइडियोलॉजी है। अब रही बात, देश के अंदर एक स्थायी सरकार की जरूरत है। पिछले 10 साल से एक संतुलित सरकार चल रही है, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी हैं जो सीधे गरीब लोगों के लिए राहत की बात है, जैसे आयुष्मान भारत की जो स्कीम चल रही है, या फिर केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे प्लानिंग है जो सीधे जनता को लाभ मिल रहा है। बिहार की जहाँ तक स्थिति है तो जरूरी इस बात को देखना है कि बिहार के अंदर जो समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पेपर लीक का मामला, नौजवान वंचित है, नौजवान को रोजगार चाहिए। लेकिन यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जनता दल यूनाइटेड की हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये केवल सत्ता के लालच में राज्य का जो है 20 सालों से दोहन किए हैं। पिछले 15 साल से नीतीश जी सरकार में है और पिछले 15 साल तक राजद की सरकार थी, लेकिन 30 सालों के अंदर बिहार पीछे गया है। इसलिए केंद्र सरकार जितनी मजबूत स्थिति में है उसी स्थिति में बिहार में भी परिवर्तन जरूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए। विधानसभा में बिहार के नौजवानों को निर्णय करना है कि यहाँ सरकार बदले, और केंद्र में प्रधानमंत्री का जो छवि है काफी मजबूत स्थिति में है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी छवि सुधरी हुई है। आज पटना में मेट्रो का विकास हो रहा है, तो ये चीज कहना कि केवल हमारे परिवार के लोगों का विकास हो, केवल हमारे धर्म का विकास हो, जाति का विकास हो, ये नहीं होना चाहिए। हर लोगों को मौका दीजिए, और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि पूरे बिहार में आप इस तरह का प्रपोजल ले आइए कि जो टाटा का प्रोजेक्ट चल रहा है चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में, वो चीजें बिहार में होनी चाहिए। टाटा हो, विप्रो हो, हमारे यहाँ आईटी सेक्टर क्यों नहीं हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस बात को ध्यान रखे कि बेरोजगारों को, नौजवानों को सिर्फ रोजगार चाहिए। जैसे भाई साहब ने सैलरी की बात किया, हमें 50 लाख 60 लाख का पैकेज नहीं चाहिए, हमें एक औसतन 10,000 की नौकरी इस नौजवान को दे दीजिए। यहाँ सबसे पूछे किसको रोजगार नौकरी नहीं चाहिए, सब अपने माता पिता के सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए बिहार में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यदि सरकार के पास नौकरी है तो उस नौकरी को वो लागू करे, और प्राइवेट सेक्टर में भी जितनी संस्थाएं हैं उसमें भी बिहार के लोगों को मौका मिले, और अधिकतर स्थानीय नौजवानों को मौका मिले ताकि पलायन रोके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट भैया, आपने बोला बहुत अच्छा बात बोला कि सब लोगों को चाहिए। आप एक चीज़ देखिए, सब लोग यहाँ पे मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, किसी आदमी को पता है कि बिहार के आदमी जितना स्पेस में रह रहे हैं उस अकॉर्डिंग USA, UK, इंग्लैंड, आप कभी जर्मनी, जापान, UK चले जाइए, आप फ्रांस चले जाइए, गाड़ी पर आप रोड पर एक गाड़ी नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है पता है? इसमें से हम बोलते हैं एक आदमी को भी पता नहीं है कि पूरा दुनिया का पॉपुलेशन का कितना परसेंट इंडिया के पास है। पूछ लीजिए किसी के पास नहीं है, 20% हमारे पास है, चीन से ज़्यादा आज हमारा जनसंख्या है। और आप पूछ लीजिए पूरा विश्व में जितना क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट हमारे पास है, तो 4%। आप सोच के देखिए कि 4% पूरा दुनिया का क्षेत्रफल हमारे पास है, उसका जनसंख्या 20%। आज बिहार में चाहिए रोजगार, सब आदमी को चाहिए, पेट सबका है। आप कोई आदमी, कोई नेता ये बात बोलता है कि हमें जनसंख्या पर कंट्रोल चाहिए? आज यदि 5 करोड़ भी लेके आ जाएगा
लाएगा कहाँ से पहला, लेकिन लेके आया 5 करोड़। सब लोग यदि बिहार में अब सोच के देखे कि एक एक लोग बाहर से बिहार में चले आएंगे क्या होगा, आपको पता है बिहार में रहना मुश्किल हो जाएगा, जैसे चींटी रहता है वैसे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाति को, जाति के नाम पे, जाति के नाम पे वोट नहीं दे करके चाहिए, सोच के विकास चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन सबसे पहले सिस्टर, यूपी में भी एजुकेशन है, बिहार में नॉट एट ऑल एजुकेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ एजुकेशन भी चाहिए, यहाँ विकास भी चाहिए। यदि आप कौन सा विकास चाहिए, क्यों नाम से नहीं, विकास का मतलब पटना में मेट्रो आ गया है और 5 साल बाद आप मेट्रो से चलिएगा, लेकिन सबसे देखिएगा स्टेशन जाके देखिए कितना बैकवर्ड है एकदम से, ना लड़कियों के लिए है ना लड़कों के लिए। यहाँ एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है, एजुकेशन और जॉब जी, हाँ एजुकेशन और जॉब और विकास, पहले विकास होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे कंपनियाँ होना चाहिए, यहाँ पे यदि यदि कंपनियाँ हो जाएंगे तो यहाँ बिहार के लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे। विकास चाहिए पहले यहाँ पे, शिक्षा के लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। जी जी जी, एक आदमी औसतन इनकम कर रहा है 15,000, बिहार का औसतन इनकम है 15,000। सब लोग चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े और यही बच्चा जाता है कहाँ पढ़ने, दिल्ली कोटा बेंगलोर। अब ये पैसा कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट को इसलिए क्या करना चाहिए कि बाहर के इंस्टीट्यूशन को यदि पटना में लेकर आएगा, मान के चलिए मेरा एक इनकम है, अपने भाई को पढ़ा रहे हैं कहाँ बेंगलोर, ये पैसा कहाँ जा रहा है बेंगलोर। यदि मेरा भाई पटना में पढ़ेगा कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन में, तो यहाँ रूम रेंट पे लेगा, यहाँ खाना पीना लेगा सर, तो यहाँ का इकोनॉमी इसी के आसपास घूमेगा, लेकिन ये कभी नहीं होगा। बिहार आज आप बाहर जाते हैं, बिहार बाहर बाकी से कितना पीछे है, मुंबई से कितना पीछे है, लगभग 30 साल पीछे है, और मुंबई यदि आगे जाएगा तो ये पीछे ही रहेगा। उसका दो रीज़न है, एक यहाँ का जनता डिसाइड नहीं कर पा रहा कि करना क्या है, यहाँ का मुख्यमंत्री हमारा बिहार का पावर से भाग रहा है, बिहार का सबसे बड़ा बिहार का ये डिमेरिट है। जितना भी जनता है बिहार का सबसे पहले जातिवाद देखेगा, डेवलपमेंट नहीं देखेगा, आप भी नहीं देखेगा भैया, कल हो गया यही युवाओं को आप सिखा दीजिए। हम राजद का विरोध करते हैं तो उस पार्टी के मानने वाले सीधे हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, यदि भाजपा का हम विरोध कर दें तो उस पार्टी के जो मानने वाले लोग हैं, ये सब चीजें बदलना चाहिए। चूंकि देखिए किसी भी, अभी आप देखेंगे कि विधायकों पर ईडी का छापा चल रहा है, सवाल ये है कि विधायक के जेब से हमें क्या मिल रहा है, वो तो अपनी संपत्ति अपनी रख रहे हैं। हमें मेंटेलिटी लोगों को बदलना है, सबसे पहले जो विकास की बात करते हैं उनसे ये पूछे कि आपका प्रपोजल क्या है। अगर आप ट्रेन की सुविधा चाहते हैं तो आपको तो टिकट कटाना होगा। अब रही बात कि नौकरी चाहिए, तो देखिए जिस तरह से नौकरियां देश के अंदर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नौकरी नहीं है, ना रेलवे की नौकरी है ना बैंक की नौकरी है, लेकिन अब मजबूरी क्या है कि जैसे भाई साहब ने कहा कि जनसंख्या काफ़ी बढ़ा हुआ है, ये जनसंख्या क्यों कैसे बढ़ रहा है भाई, हम जबरदस्ती किसी को, अब तो सीलिंग एक्ट वाला और इंदिरा जी वाला तो है नहीं कि एकदम से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, एकदम पकड़ पकड़ के उन लोगों को, तो ये चीज़ें बताना है लोगों को कि भाई जनसंख्या का लोड कैसे कंट्रोल होगा, तो इसके लिए है एजुकेशन। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार में एजुकेशन का ढोलक बजाया है, आप यकीन मानिए ये बिल्कुल ही मतलब समाज का विकास इससे नहीं होने वाला है। जिस तरह से शिक्षकों के साथ भेदभाव हो रहा है, कई तरह की बहालियां हुई है फर्जीवाड़ा चरम सीमा पे, आप देख लीजिए अब जो मेरिट इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसे शिक्षक अगर आएंगे तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। अब नौजवान काफी अब आईटी सेक्टर में जा रहा है, नौजवान चाहता है कि वो पटना से दिल्ली प्लेन से जाए, हर व्यक्ति का जेब में हर सबका स्मार्टफोन है, ये सब विकास है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि जब हम सरकार की नौकरी ढूंढते हैं कि मुझे सरकार की नौकरी चाहिए, ये मेंटलिटी चेंज करके बिहार गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए और बिहार के अंदर प्रोजेक्ट लाना चाहिए। अभी आप देखिए बक्सर का एक दुर्घटना आपको बता रहा हूँ, चौसा पावर प्लांट में किस तरह से वहाँ पे जो किसान दाता थे वो अपनी मांगों को आंदोलन मांग कर रहे थे, लेकिन ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से और ना स्टेट गवर्नमेंट से कोई उस तरह का कोई डिप्लोमेट वहाँ पहुँचा ताकि वो पूछे कि आपकी समस्या क्या है। अब आप किसान सड़क पर उतरते हैं, नौजवान सड़क पर उतरते हैं, तो आपका आरोप होता है कि देखिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी क्या है ये कोई पूछने वाला नहीं है। चौसा के अंदर, चौसा के अंदर ये भाई साहब ये बिहार का विकास है, देखिए अब इसमें विकास चाहते हैं, अब देख लिए बिहार का विकास किस कंडीशन पे। 200 रुपया कमाने वाला आदमी डेली यहाँ 100 रुपया का रजनीगंधा तुलसी खाएगा और ज्ञान देगा क्या सब कुछ पे, ऑनलाइन इन्वेस्ट का सिस्टम है, लोगों को ये पता हमारी आपकी मेंटालिटी बदलेगी तभी ना होगा। देखिए अभी ये मेंटालिटी बदल रही ना, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक किसी पार्टी ने बिहार के विकास पर कोई बात किया है, अभी तक कोई पार्टी नहीं, कोई हम घर में क्या मानते हैं, मेरे पिताजी मेरे घर में एक मुखिया है, उनका बहुत वैल्यू होता है। अभी बिहार का मुखिया कौन है, नीतीश कुमार, उनका बात का कोई वैल्यू नहीं है, सोच के देखिए
कि उस आदमी का कोई वैल्यू नहीं है तो उसके घर में रहने वाले का क्या वैल्यू होगा। कभी वहाँ से मार के खदेड़ा जाएगा, कभी वहाँ से मार के खदेड़ा जाएगा, क्योंकि बिहार के लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये फलना बाबू फलना कास्ट का है इसलिए वोट देंगे फलना। आप एक चीज़ सोच के देखिए, हम यदि एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट के रूल में लिखा हुआ है कि दूसरा हम अपना बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन एक विधायक है, एक बार विधायक बना है उसका पेंशन मिलता है, आपको पता है। दूसरा बार विधायक बनेगा फिर पेंशन मिलेगा, वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन हम एक टीचर है और 30,000 सैलरी है तब बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसका तो इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको पता है कि अपना उसका क्या करना है, बच्चा का क्या करना है। हमको अपने बारे में सोचना है। अब अपने बच्चे के बारे में, अपने भाई के बारे में हम खुद नहीं सोच रहे तो वो क्यों सोचेगा, कि वो तो खुशी है। भैया लोग तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विकास के बारे में और एजुकेशन के बारे में यहाँ पर दिए। हमको कहना है कि हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है होली और छठ। अभी किसान के यहाँ जाइए तो जो फसल जितना नुकसान हुआ है उस पर एक नेता भी इस पर कोई विचार करने के लिए नहीं, वो अपना अपना कोई सीट बंटवारा के लिए कैसे इलेक्शन होगा, कहाँ से किसको सीट दिया जाएगा। किसान के घर में होली और छठ पूजा जितना फसल, अभी देखिए मोबाइल से हम देहात से, मेरा है गया जिला अत्री पड़ता है, देखिए यहाँ पर एकाग कोई सुनने के लिए नहीं है। हम लोग के खाने के लिए किसान के जिस पर प्रधानमंत्री अभी चलाए हैं मोटा अनाज पर विशेष अति, देखिए क्या स्थिति है। इस पर एकाग अभी कोई पदाधिकारी या कोई नेता लोग नहीं सुनने के लिए बलदार है। उसका पीएम किसान दो जो चलाए हैं प्रधानमंत्री, 500 रुपया से क्या होने जाना है। एक दवा डालने के लिए अगर एक फसल में कम से यूरिया खाद का, सुनिए ना, एजुकेशन पर मेट्रो पर चलेगा कौन, जो बड़ा बड़ा लोग है वही, किसान के बाल बच्चा नहीं चलेगा। अभी होली का पर्व आ रहा है, सब बाहर से कमाने वाला पूछिए कि किस तरह से आ रहा है स्टेशन पर, किस तरह से उतर रहा, 24 घंटा 36 घंटा जाग के ट्रेन में लटक के आ रहा, यह स्थिति है। तो कैसे परिवर्तन मोदी जी किए हैं, मोदी जी कैसा परिवर्तन किया, किसान के लिए एकागो, विद्यार्थी के लिए एकागो। तेजस्वी यादव ने हमारे जो 15 तारीख को टीटी वाला टीचर वाला जो आपको हजारीबाग में क्वेश्चन लिख हुआ उस पर बहस करते करते कल हमारा हुआ कि परीक्षा रद्द किया गया, इतना भ्रष्टाचार है। दो पेपर तेजस्वी यादव ने लिए नीतीश कुमार के साथ, कहाँ एकागो फिर तो कहूँ सुनने के लिए नहीं आया कि हाँ तेजस्वी जी के रीजन में भी पेपर लीक हुआ है। बीपीएससी के माध्यम से सबला एजुकेशन परीक्षा के मामला बीपीएससी के माना जाता था। भैया तो तेजस्वी जी विकास कर पाएंगे, किस आधार पे कर पाएंगे, किस आधार पे कर पाएंगे, उनका क्वालिफिकेशन क्या है ये बताइए। तेजस्वी यादव ने जो हमारे स्कूल में अभी पांच गो टीचर आए हैं, ऐसा नहीं है क्यों कि खाली यादव क्या है, दूसरे व्यक्ति घुसा दिए, देखिए यही मेंटेलिटी है, कस्टिज्म घुसा दिए। हमें वो शख्स है जो गांधी मैदान में वीडियो वायरल की है, ऐसा सा टीचर जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पता नहीं है, वो जाके स्कूल में पढ़ाएगी क्या, क्या लड़का पढ़ेगा जी। गाँव में चलिए हम दिखाएंगे, अभी हम किसान के बेटे हैं, हम दिखाएंगे। सुनिए मेरा बात, पहले मेरा बात देखिए, बिहार को बर्बाद दो आदमी में किया, पहला लालू यादव, दूसरा नीतीश कुमार, दोनों बर्बाद किया, लूटा बिहार को, कोई है नहीं है बिहार का, दोनों लूट लिया, आपने अपना रोटी सेक लिया, समझ ले। बिहार को पा का बर्बाद कौन किया, फर्स्ट में लालू यादव, सेकंड में नीतीश कुमार, क्या बिहार को दिए, नहीं को केवल रोजगार, रोजगार दिए बिहार को, बिहार को केवल रोजगार मिला, न कोई कंपनी है न कोई फैक्ट्री है, कैसे जनता चुनेगा उस आदमी को, इसलिए अभी बदलाव होगा बिहार में 2025 में, बदलाव होगा तो बिहार का विकास होगा, नहीं तो ऐसा विकास बिहार का नहीं होगा। युवा पलायन करते रह जाएगा बम्बई मद्रास हरियाणा, लेकिन बिहार में विकास नहीं होगा जब तक बदलाव 2025 में नहीं होगा, जब तक बदलाव नहीं होगा। युवा ने सब समझ गया है कि 2025 में किसको चुनना है, लालू चाहिए नीतीश चाहिए, नहीं तो कौन चाहिए, दुगो में कोई नहीं चाहिए, तीसरा मोर्चा होगा, तीसरा मोर्चा आएगा बिहार में, युवा चेहरा ये सोच लीजिए, हम नाम नहीं बताएंगे, जो भी हो देखिए, जिसे कल युवा चुनाव आएगा बिहार में, दुगो में कोई विकास नहीं किया, न तेजस्वी यादव किया है न नीतीश कुमार, तीसरा मोर्चा आएगा चिराग पासवान आएगा 2025 में। देखिए ना ही बिहार में लोगों का कहना है कि या तो लालू भी नहीं चाहिए नीतीश भी नहीं चाहिए,
वो चाहिए जो बिहार में रोजगार दे, वो चाहिए जो बिहार में एडुकेशन लाए, यानी शिक्षा लाए। शिक्षा लाइएगा, एडुकेशन लाइएगा, जॉब दीजिएगा, रोजगार दीजिएगा, वही बिहार की गद्दी पर बैठेगा और वही 2025 में देश के भी गद्दी पर बैठेगा। तो ये था बिहार की जनता का मिजाज। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन गौतम के साथ, पटना।